वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका मैंने एक टॉपिक उठाया है फ्रेडरिक फ्रोबल। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट लाइन है, ही वॉज बॉर्न इन साउथ जर्मनी ऑन 21 अप्रैल 1782। मतलब फ्रेडरिक फ्रोबल का जन्म साउथ जर्मनी में हुआ था 21 अप्रैल को। ही वॉज नेग्लेक्टेड इन हिज अर्ली लाइफ ड्यू टू डेथ ऑफ हिज मदर। इनकी मदर की डेथ हो गई थी तो इनके पापा ने नई शादी कर ली थी। तो जो स्टेप मदर आई थी उनका बिहेवियर इनकी तरफ अच्छा नहीं था। ये दोनों फिर नेग्लेक्ट करने लग गए थे इनको। इनकी पढ़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ फिर, ही ज्वाइन अ जॉब इन फॉरेस्ट। इन्होंने फॉरेस्ट में एज अ फॉरेस्टर जॉब जो है ज्वाइन कर ली। तो ही डेवलप इंटेंसिव सिंपैथी एंड लव फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अब इनको अच्छे से लव नहीं मिला, इनको सिंपैथी नहीं मिली, तो इनको दूसरे बच्चों के लिए सिंपैथी और लव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया इनके अंदर कि मुझे नहीं मिला लेकिन मैं जो बच्चे है मैं दूसरे बच्चों को दूंगा। तो क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ पे आया। टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में ये आया कि ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी चले गए। तो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी गए ये आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। बट वहां पर ये मिले डॉक्टर ग्रूनर से, जिनका स्कूल था मॉडल स्कूल, जो डायरेक्टर थे मॉडल स्कूल के। तो वहां पर उसने, डॉक्टर ग्रूनर ने ऑब्जर्व किया कि ये एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो फिर ये इनकी लाइफ में क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया कि इनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। फिर एक आया किंडरगार्टन मेथड। तो किंडरगार्टन मेथड जो है फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया। क्यों दिया, एक तो वो जब फॉरेस्ट में रहे तो उन्हें जो है माउंटेन्स प्लांट्स वगैरह से काफी चीजें सीखने को मिली, वो काफी अटैच हो गए। फिर वो गए मॉडल स्कूल यानी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में गए, उससे मिले। तो वहां पर भी उन्होंने सब चीजें जो ऑब्जर्व किया, जो देखा कि बच्चे किस चीज से ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं, तो उन्होंने क्या है कि किंडरगार्टन मेथड दिया। तो किंडरगार्टन मेथड जो है, उन्होंने पहला किंडरगार्टन खोला बच्चों के लिए, वो 4 से 6 साल तक के बच्चों के लिए खोला था, और वो खोला था 1839 में। तो इनका कहना ये था कि जो स्कूल है वो गार्डन है, और जो टीचर है वो गार्डनर है, और जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे सीड्स सैपलिंग्स हैं। मतलब जैसे गार्डन में हम पौधों को पानी देते हैं और एक एक चीज बच्चों की ऑब्जर्व करते हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, बच्चों को ग्रो होता हुआ देखते हैं और वो अच्छे से सहज के रखते हैं, एक एक चीज ध्यान से करवाते हैं। उनकी जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बहुत नाजुक होती है, तो उसका उसमें ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो सेम फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ 4 to 6 ईयर ओल्ड। तो इन्होंने कहा कि जो टीचर होगी उसका काम यह गार्डन की तरह है, और ये पूरा स्कूल किंडरगार्टन कहलाएगा, और बच्चे जो है छोटे छोटे सैपलिंग्स कहलाएंगे। तो ये था हमारा पूरा फ्रेडरिक फ्रोबल के बारे में। अब जब इन्होंने किंडरगार्टन मेथड दे दिया, तो फ्रेडरिक फ्रोबल को हमेशा याद रखना कि फ्रेडरिक फ्रोबल ने हमें किंडरगार्टन मेथड दिया। तो किंडरगार्टन मेथड जो है फ्रेडरिक फ्रोबल ने दे दिया। अब किंडरगार्टन मेथड के फीचर्स क्या, मींस इस मेथड में क्या क्या चीजें थी, फिर उसके एडवांटेजेस यानी मेरिट्स, और उसके बाद डिमेरिट्स पढ़ते हैं। तो फीचर्स में क्या था कि कंस्ट्रक्शन बेस था। मतलब इस वाले मेथड में बच्चे अपने आप तोड़ फोड़ करके, बच्चे को दे दो वो अपने आप करेगा जो वो क्रिएट करेगा। उसके बाद जेस्चर्स से पढ़ाएंगे बच्चों को, इशारों से भी पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों को सॉन्ग्स के थ्रू पढ़ाएंगे यानी सॉन्ग्स राइम्स पोएम्स इसके थ्रू पढ़ाएंगे। और प्ले बेस, ये प्ले बेस था, बच्चों को खेल खेल में ही सब कुछ पढ़ाया जाता था। सेल्फ एक्टिविटी, मतलब बच्चे यहाँ पे खुद करेंगे सारा काम खुद करेंगे। और सबसे बड़ा एक इनका इम्पोर्टेंट था, ये इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने कहा था जब भी आप कोई काम करा रहे हो बच्चे को, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हो बच्चों को, अप्रिशिएट करो बाय गिविंग गिफ्ट्स। आप गिफ्ट्स में चाहे कुछ भी हो, ट्रॉफी हो, मेडल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको गिफ्ट्स देनी है। तो गिफ्ट जो है फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराए गए। उसके बाद जो प्लेस है टीचर का वो एज अ गार्डनर है। उसके बाद डिसिप्लिन, इन्होंने कहा फ्रेडरिक फ्रोबल ने कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना भी जरूरी है। और डिविजन ऑफ करिकुलम, मतलब एक साथ सारा करिकुलम मत पढ़ाइए, स्टार्टिंग में सबको सेपरेट कीजिए। नर्सरी में कुछ और पढ़ाएंगे, केजी में अलग, फर्स्ट में अलग, स्टेप बाय स्टेप हम सारा करिकुलम बच्चे को कराएंगे। अब इसके
मेरिट्स क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि इंक्लूजन, यानी हम सारे सब्जेक्ट हर बच्चे को इस मेथड में इंक्लूड कर चलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड है, स्ट्रेस ऑन चाइल्ड्स नेचर, मतलब इस मेथड से हमें पता चलता है कि बच्चे का नेचर क्या है, बच्चे की थिंकिंग क्या है और बच्चे के इंटरेस्ट क्या क्या है। क्योंकि हम बच्चे को खुला छोड़ेंगे, अब खुला छोड़ेंगे बच्चा कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन में प्ले की इम्पोर्टेंस ज्यादा है इसमें। उसके बाद इसका मेन एम्फेसिस किस पे है, हमारा प्री स्कूल पे। तो ये हो गए मेरिट्स। अब मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो इसके डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स ये है कि हाईली एम्फेसिस ऑन प्ले, मतलब प्ले पे ज्यादा जोर है। क्या होता है, हम स्टार्टिंग में खिला देंगे लेकिन जब बड़ी क्लास की बात आती है तो हम नहीं खिला सकते इतना, हमें थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा रिटर्न कराना पड़ेगा ही पड़ेगा कि कोर्स पूरा हो जाए, बच्चे को समझ आए। उसके बाद गिफ्ट्स मेक चिल्ड्रन ग्रीडी। अब ये तो है नहीं कि छोटे बच्चों को गिफ्ट दे दिए, कई बार क्या होता है गिफ्ट से बच्चे बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। जब आप टॉफी दोगे वो तभी मुंह खोलते हैं, वरना वो सुनाएंगे ही नहीं। तो मारिया मोंटेसरी हमारी बोलती है कि आपको गिफ्ट देने ही नहीं है बच्चे को। तो वही होता है, सब पर्सन्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, इन्होंने बोला कि गिफ्ट दीजिए। उसके बाद नॉट हाईली प्रैक्टिकल, ये ज्यादा प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ छोटे बच्चों के साथ काम आएगा और इतना भी काम नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ज्यादा एक्सपोजर एनवायरमेंट में हार्मफुल हो जाता है। मैं बच्चे को पूरा दिन गार्डन में रखूंगी, बच्चों को सन रेस पड़ेगी, बच्चे को कांटे चुभ सकते हैं, बच्चे को इंसेक्ट बाइट कर सकता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि बच्चे को इस मेथड से कहीं ना कहीं हार्म भी हो सकता है। उसके बाद किसी इंडिविजुअल स्टडी पे फोकस नहीं है, हम पूरा ग्रुप में देखते हैं बच्चे को। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स। तो पूरा हमारा फेडरेट फोकस जो है कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ इस टॉपिक में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।